जो मेरा स्टार्ट नोड है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट नोड एस कितना है मेरा, 1। ठीक है, अगर आप देखोगे ये ट्री में स्टार्ट नोड यहाँ पे कितनी है, 1। ओके, मैंने बताया था स्टार्ट नोड का जी वैल्यू 0 होता है और एच वैल्यू कितना है आपका, 5। यस, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बोलेंगे इसका G1, तो G1 कितना है, 0। ओके, और अगर हम H बोलेंगे, H ऑफ 1 यानी फर्स्ट नोड का H वैल्यू, तो H वैल्यू रेड बॉक्स में दिया है कितना है ये, 5। तो H वैल्यू कितना है, 5। और इसको हम लिखते कैसे, 1 की पावर कितना लिखेंगे हम, 5। तो जैसे ही ये मिल गया, इसको अब हम डालेंगे ओपन लिस्ट में, इसको अब हम डालेंगे ओपन लिस्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ओपन लिस्ट बनाती हूँ, ठीक है, ओपन लिस्ट बनाती हूँ, और इस ओपन लिस्ट में सबसे पहले मैं क्या डाल रही हूँ, 1 की पावर 5 डाल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अब हम इसको ओपन में डाल दिए। अब इस ओपन लिस्ट में अभी कितने एलिमेंट्स है आपका, सिर्फ अकेला सिंगल एलिमेंट है, इसी को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और किस में डालेंगे, क्लोज में डाल देंगे। तो सब रिमूव जैसे करते चेक करो गोल है क्या, गोल मेरा यहाँ पे ये क्या है, 1, और गोल मेरा क्या है, 6। तो सिंस इट इज़ नॉट 6, इसको आप किस में डालेंगे, क्लोज में। तो यहाँ पे क्लोज्ड लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है, ये क्लोज्ड लिस्ट में अभी सबसे पहले क्या आ गया, 1 5। ओके, नाउ अब इसके चाइल्ड को देखते हैं। नाउ 1 के अगर चाइल्ड देखोगे तो एक चाइल्ड है 2 और दूसरा चाइल्ड क्या है आपका, 3। तो अब दोनों के लिए अपन को वर्क करना है। तो सबसे पहले 1 के दो चाइल्ड है, एक है 2 और दूसरा क्या है आपका, 3। तो सबसे पहले हम 2 को देखते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 है, ये 2 अगर आप देखोगे किसी में बिलोंग नहीं करता, यानी बिलोंग नहीं करता किस में, ओपन में भी नहीं बिलोंग करता, और किस में बिलोंग नहीं करता, क्लोज में भी बिलोंग नहीं करता। तो अब हम इसको, इसका जी और एच वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका सबसे पहले जी निकालेंगे, जी ऑफ 2, ठीक है। तो जी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, इसका पेरेंट कौन है, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी ऑफ 1 प्लस कॉस्ट फ्रॉम 1 से लेके 2 तक, यानी इसका पेरेंट कौन था, 1, और अभी हम कौन से नोड पे है, 2, तो 1 से लेके 2 तक। तो अब ट्री देखते हैं ना, सबसे पहले तो जी ऑफ वन कितना है आपका, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस कॉस्ट ऑफ 1 to 2, तो 1 से लेके 2 तक कॉस्ट कितना लग रहा है आपको, 3। तो अब यहाँ पे 3, तो जी ऑफ 2 कितना हो जाएगा आपका, जी ऑफ 2 कितना हो जाएगा आपका, 3। नेक्स्ट अब इसका एच निकालेंगे, ठीक है। तो एच तो गिवन ही रहता है, एच ऑफ 2, तो एच ऑफ 2 देखो यहाँ पे कितना गिवन है, एच ऑफ 2 कितना गिवन है आपका, 4। तो अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 जो रहता है वो जी ऑफ 2 प्लस एच ऑफ 2, दैट इज़ नथिंग बट आपका जी ऑफ 2 देखो 3 और एच ऑफ 2 कितना है, 4, 3 प्लस 4, सो इट इज़ इक्वल टू 7। तो अब हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 7, और एज़ वेल एज़ अब इसको किस में डाल देंगे हम, ओपन में डाल देंगे। तो ओपन लिस्ट में देखो, फर्स्ट स्टेप में ये रिमूव हो गया था, ठीक है, ये कहाँ चलेगा आपका, क्लोज में चलेगा। अब हम जो ओपन लिस्ट में आएगी नेक्स्ट स्टेप में, अब हम इसमें जाएंगे, सबसे पहले आएगी 2 की पावर 7। यस, अब 2 की पावर 7 ओपन में चलेगी। अब ये हमने 1, 2 के लिए किया था, अब हम इसको किसके लिए करेंगे, 3 के लिए। अब हम इसको आप आते हैं 3। अब देखो 3 इट डज़ नॉट बिलोंग, है ना, ओपन में भी नहीं है, क्लोज में भी नहीं है, क्योंकि क्लोज में 1 है और ओपन में क्या है आपका, 2 है। ओके, सो 3 दोनों में बिलोंग नहीं करता। तो अब 3 का सबसे पहले जी निकालेंगे, तो जी ऑफ 3, तो अब 3 का पेरेंट कौन है, 1 है, तो जी ऑफ 1 प्लस कॉस्ट फ्रॉम 1 से लेके 3, तो जी ऑफ 1, ठीक है। सो जी ऑफ 1 देखो यहाँ पे, जी ऑफ वन कितना है आपका, 0। ओके, तो ये 0 हो गया। और नेक्स्ट उसके बाद कॉस्ट फ्रॉम 1 to 3, सो 1 से लेके 3 तक के कॉस्ट कितनी है आपकी, 2। सो यहाँ पे ये हो जाएगा जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2, दैट इज़ नथिंग बट 2। तो जी ऑफ 3 कितना हो गया आपका, 2। नेक्स्ट एच ऑफ 3 तो गिवन ही है, एच ऑफ 3 कितना गिवन है आपका, 23। तो एफ ऑफ 3 ये हो जाएगा जी ऑफ 3 प्लस एच ऑफ 3, दैट इज़ 23 प्लस 2 प्लस 23, दैट इज़ 25। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 25, और इसको किस में डालेंगे, ओपन में डालेंगे, ठीक है। तो अब हमारे ओपन वाले लिस्ट में 2 of 7 भी गया और 3 की पावर 25 भी चला। अब हमारे लिस्ट में पहले तो ये था, अब सेकंड ये दोनों हैं, तो इन दोनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है आपका, 7, 2 की पावर 7 छोटा है। तो नेक्स्ट अब हम क्लोज में किसको करेंगे, 2 की पावर 7 को डाल देंगे। तो अब क्लोज में यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा वो क्या जाएगा, 2 की पावर 7 चला जाएगा।
ठीक है। सो अब टू का चाइल्ड देखते हैं, यस। तो टू का चाइल्ड कितना है आपका, सिर्फ एक चाइल्ड है, वो कितना है आपका, फोर। तो नेक्स्ट अब हम फोर को देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब हम किसको एवेल्युएट करेंगे, फोर। नाउ फोर जो है ये डज नॉट बिलोंग टू ओपन, ठीक है, ओपन को भी बिलोंग नहीं करता एंड क्लोज को भी बिलोंग नहीं करता, ओके। सो अब हम इसका जी निकालेंगे, तो जी ऑफ फोर, तो देखो जी ऑफ फोर क्या हो जाएगा, इसका पेरेंट कौन है, देखो ये वाला जो फोर है ये किससे, टू, आपने अभी टू की पावर सेवन को निकाला, तो ये टू से हम कहाँ जा रहे हैं, फोर, तो इसका पेरेंट कितना होगा, टू। सो जी ऑफ फोर विल बी जी ऑफ टू प्लस कॉस्ट, दो से टू से लेके फोर तक का कॉस्ट कितना होगा वो, ना जी ऑफ टू अभी निकाले हो आप प्रीवियस स्टेप में, यस। जी ऑफ टू कितना निकाले हो आप, थ्री, जी ऑफ टू कितना निकाले हो, थ्री। सो यहाँ पे जी ऑफ टू कितना आ गया, थ्री प्लस टू से फोर तक का कॉस्ट, तो ये आपका ट्री में गिवन है, टू से फोर तक की कॉस्ट कितनी है, फोर। सो फोर दिस इज सेवन, सो जी ऑफ फोर कितना हो गया आपका, सेवन। नाउ एच ऑफ फोर, एच ऑफ फोर तो गिवन ही है ट्री में, वो कितना है आपका, टू। सो एफ ऑफ फोर कितना हो जाएगा, इट विल बी जी ऑफ फोर प्लस एच ऑफ फोर, सो ये हो जाएगा सेवन प्लस टू दैट इज़ नाइन। सो अब जो यहाँ पे फोर का वैल्यू निकला है वो फोर की पावर कितनी है आपकी, नाइन। सो इसको अब हम इसको किस में डालेंगे, ओपन में डाल देंगे, ओके। सो अब जो है मेरा ओपन में थ्री की पावर ट्वेंटी फाइव तो है ही, इसके अलावा अब मैंने जो नेक्स्ट वैल्यू डाली वो कितना डाली है, फोर की पावर नाइन, ठीक है। सो ये एक स्टेप मेरा यहाँ पे अब ख़त्म हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस को हमें रिपीट करना है, कब तक रिपीट करना है, जब तक मेरा ओपन एम्प्टी नहीं हो जाता या गोल नहीं मिल जाता तब तक मुझे रिपीट करना है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं अब यहाँ पे, नेक्स्ट इसके बाद अब देखोगे अगर आप, तो इन दोनों में सबसे छोटा क्या है आपकी, फोर की पावर नाइन। तो अब हम किसको क्लोज में डालेंगे, फोर की पावर नाइन को, तो इसको मैं क्लोज में डाली, तो अब नेक्स्ट जो गया फोर की पावर नाइन ना। फोर का चाइल्ड देखो, फोर का चाइल्ड कौन है यहाँ पे, फाइव है, ओके। सो फाइव को लेके आगे बढ़ते हैं। सो अब फाइव, अब फाइव मेरा ओपन में भी नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग टू ओपन और क्लोज, दोनों में बिलोंग नहीं करता, ओके। सो इसलिए हम फाइव का जी निकालेंगे, तो जी ऑफ फाइव, ठीक है। अब ये जो जी है, जी ऑफ फाइव, इसका पेरेंट कौन था, फोर, तो जी ऑफ फोर प्लस कॉस्ट फ्रॉम फोर टू फाइव, तो जी ऑफ फोर देखो यहाँ पे, जी ऑफ फोर कितना निकला था आपका, सेवन, तो जी ऑफ फोर कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेवन प्लस फोर टू फाइव का कॉस्ट, ये आपको ट्री में दिख जाएगा, फोर टू फाइव का कॉस्ट कितना है, वन, तो वन, सो दैट विल बी एट। सो जी ऑफ फाइव कितना हो गया आपका, एट। ना एच ऑफ फाइव, ये तो गिवन है आपका ट्री में, एच ऑफ फाइव कितना है आपका, थ्री, तो एफ ऑफ फाइव इज एट प्लस थ्री दैट इज़ इलेवन, ठीक है। सो फाइव का भी जो वैल्यू है वो कितना हो गया आपका, इलेवन। इसको अब आप किस में डाल दोगे, ओपन में डाल दोगे, ठीक है। और कोई चाइल्ड तो है नहीं, तो ये स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब ओपन लिस्ट में थ्री की पावर ट्वेंटी फाइव तो रह ही गया, अब जो नेक्स्ट वैल्यू आई है वो आई है फाइव की पावर इलेवन, ओके। अब इन दोनों में छोटा कौन है आपका, फाइव की पावर इलेवन, तो इसको आप डाल दो, अब आप क्लोज्ड में फाइव की पावर इलेवन को डाल दो। जैसे ही आप फाइव की पावर इलेवन को डाल दिए, इसका चाइल्ड देखो, यस, इसका चाइल्ड कौन है, फाइव का नेक्स्ट चाइल्ड क्या है आपका, सिक्स, ओके। तो अब हम सिक्स को देखते हैं, ओके। नाउ फाइव का चाइल्ड है आपका सिक्स, तो अब हम क्या करेंगे, सिक्स डज नॉट बिलोंग टू ओपन और क्लोज्ड, तो अब हम जी ऑफ सिक्स निकालेंगे, ठीक है। तो जी ऑफ सिक्स कितना होगा, ये सिक्स का पेरेंट कौन है, फाइव, तो जी ऑफ फाइव प्लस कॉस्ट फ्रॉम फाइव टू सिक्स, सो जी ऑफ फाइव, अब भी निकाला ये स्टेप में, जी ऑफ फाइव कितना है आपका, एट प्लस फाइव टू सिक्स का कॉस्ट, फाइव से लेके सिक्स तक का कॉस्ट कितना है, ट्वेंटी, ट्वेंटी, तो ये अब मुझे कितना मिल जाएगा, ट्वेंटी एट, ठीक है। तो जी ऑफ सिक्स कितना मिल गया मुझे, ट्वेंटी एट, ओके। अब निकालेंगे इसका एच, एच ऑफ सिक्स, क्योंकि ये गोल है तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, ज़ीरो, तो सिक्स एफ ऑफ सिक्स कितना हो जाएगा आपका, ट्वेंटी एट प्लस ज़ीरो दैट विल बी ट्वेंटी एट। तो अब हम सिक्स बिलोंग, अभी इसको हम ऐसे करेंगे, सिक्स की पावर ट्वेंटी एट, और इसको अब किस में हम डालेंगे, ओपन में डालेंगे, ठीक है। अब ओपन में डालो ना,
अब इसको जैसे ही ओपन में डालोगे, तो ओपन में देखो ये 6 वैसे भी मेरा गोल है ना, तो यहाँ पे 3 की पावर 25 है एंड 6 यहाँ पे कितना आ गया 28। देखो इवन दो 6 मेरा गोल है, मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं कर रहा, इन दोनों में मेरा छोटा वैल्यू कौन है, मैं हमेशा छोटे वैल्यू को पहले एक्सप्लोर करके ही देखूंगी, क्या उससे अगर मैं 6 पहुँचूँगी कम मिलेगा क्या कॉस्ट इसी के लिए। तो सबसे छोटा वैल्यू अब क्या है मेरा 3 की पावर 25। तो अब इसको अब हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे अब इस पाथ को पूरे को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। 3 से अगर अब हम एक्सप्लोर करते हैं तो कितना मिलता है देखते जाते हैं नेक्स्ट। तो अब 3 को निकाल दिया, तो अब देखो यहाँ पे 3 को निकाला, अब 3 का चाइल्ड कौन है देखो यहाँ पे, 3 का चाइल्ड कौन है यहाँ पे 4, ठीक है। और ये जो 4 है ये आपका क्लोज में आ चुका है एक बार, अगर आप देखेंगे ये 4 की पावर 9 मेरा आ चुका है क्लोज में, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अब हम नेक्स्ट 3 को निकाले, अब नेक्स्ट इसका चाइल्ड कितना है 4। सो ये एल्गोरिथम में देखते हैं आप इसके बाद, ठीक है। एल्गोरिथम में क्योंकि ये जो 4 है ये बिलोंग करता है, किस में बिलोंग करता है, क्लोज में बिलोंग करता है, ओपन या क्लोज दोनों में एक में है ना बिलोंग करता है। तो अब हम मिनिमम क्या निकालेंगे, G4, और G4 का वहाँ तक आने का भी, करंट वाला जो नोड है उससे आने तक का कॉस्ट कितना है उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हम देखते हैं पुराना वाला कितना वैल्यू है, ठीक है। तो पुराना वैल्यू देखो किसका है, 4 की पावर कितनी है इसकी, 9 है, ठीक है। ये आपका कहाँ से पता चला, ये देखो क्लोज्ड वाले लिस्ट में 4 की पावर कितनी है आपकी, 9 यहाँ से पता, दिस इज़ दी ओल्ड वैल्यू, ठीक है। अब इसका न्यू वैल्यू निकालते हैं, अभी पेरेंट कितना है इसका 3, तो 3 से मैं निकाल रही हूँ 4। तो ना सबसे पहले अब निकालेंगे G of 4, तो अभी पेरेंट कितना है इसका 3, तो G3 प्लस कॉस्ट 3 से लेके 4 तक का कॉस्ट, G3 देखते हैं यहाँ पे, G3 हम लोग निकाल चुके हैं, ये G3 का वैल्यू कितना है 2 एंड 3 से 4 कॉस्ट, तो 3 से 4 कॉस्ट कितना है यहाँ पे 3, ओके। सो ये कितना हो जाएगा 3, सो G4 कितना हो जाएगा आपका 5, G4 कितना हो गया आपका 5, ओके G4 5 हो गया। अब H4 निकालते हैं, H4 तो गिवन है, H4 कितना गिवन है आपका 2, ठीक है। सो अब इसको ऐड करेंगे, सो G4 दैट विल बी F4 इक्वल टू G4 प्लस H4, सो ये हो जाएगा आपका 7, F4 कितना हो जाएगा 7। तो अब हम यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 7, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम दोनों में से देखो मिनिमम कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, पहले 9 था, अभी कितना हो गया है आपका 7, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। सो अब हम इसको FM जो है अब डिक्रीज हो गया है, तो इसीलिए अब इसको वापस से ये 4 को 7 को हम क्या करेंगे, ओपन में लाएंगे। तो जैसे ये न्यू वैल्यू मिली तो अब इसको अब हम किस में डालेंगे, ओपन में डाल देंगे। तो अब वापस जो है ये जो 4, 9 है ये अब किस में आ जाएगा, ओपन में आएगा। और अब यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी है 7 और 6 की पावर कितना हो जाएगा अब 28, ओके। अब इन दोनों में छोटा क्या है 4, तो नेक्स्ट इसमें वापस से ये 4 क्लोज में जाएगा 4 की पावर। अब 4 का चाइल्ड देखते हैं, सो 4 का चाइल्ड कितना है आपका 5, ठीक है। 4 का चाइल्ड है आपका 5, ये अगर ट्री में देखोगे ये, ठीक है। ट्री आप लोग भी अपने कॉपी में एक बना के रखना, 4 का चाइल्ड कितना है यहाँ पे 5 है। तो अब हम 5 को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो 5 है पहले भी एक बार हो चुका है, तो पुराना वाला 5 का वैल्यू देखते हैं कितना है। पुराना 5 का वैल्यू कितना है जो क्लोज में है वो कितना है आपका 11। तो अब नया 5 का कैलकुलेट करते हैं, तो ना G of 5 इक्वल टू, ठीक है, आपका G of 4 प्लस कॉस्ट फ्रॉम 4 to 5। ना अभी G of 4 चेंज हो गया, G of 4 अभी कितना है यहाँ पे 5। पुराना अगर देखोगे तो G of 4 कितना था आपका 7, लेकिन अभी नया G of 4 मिला है वो कितना मिला है आपका 5, ठीक है। तो ये 5 प्लस 4 से लेके 5 तक का कॉस्ट कितना है 1, तो यहाँ पे G of 5 कितना हो जाएगा आपका 6। नाउ H of 5 कितना गिवन है आपका 3, सो F of 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 6 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा आपका 9। सो 5 की पावर 9। अब देखते हैं 5, अब देखो यहाँ पे पुराना वैल्यू 5 का कितना था 11 और ये कितना है 9, कम है। तो अब हम इसको वापस से क्या करेंगे, ओपन में लाएंगे। तो अब आप ये क्लोज में इवन दो 5 की 11 था, आप इसको वापस यहाँ पे लाएंगे और अब हम यहाँ पे नई वैल्यू 5 की वो कितनी हो जाएगी 9, तो अब ये ओपन में आ जाएगा 9। तो नेक्स्ट अब इस लिस्ट में
सिक्स की पावर 28 तो है, अब आ जाएगा 5 की पावर 9 और 6 की पावर 28। ठीक है, अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। नाउ अब ये हो गया यहाँ पे, अब 5 का नेक्स्ट चाइल्ड कितना है, 6। ठीक है, 6 ऑलरेडी एक बार एक्सप्लोर हो चुका है और 6 की पावर कितनी है यहाँ पे, 28। तो इसको ध्यान में रखेंगे, अब न्यू 6 की वैल्यू निकालते हैं। सो जी ऑफ 6, सो जी ऑफ 6 विल बी जी ऑफ 5 प्लस कॉस्ट फ्रॉम 5 to 6। सो जी ऑफ 5 देखो अभी निकाले कितना है, जी ऑफ 5 कितना है आपका 6 प्लस 5 to 6 तक कॉस्ट कितनी है आपकी 20। ये गिवन है ग्राफ में ना, ये देखो ग्राफ में 5 से लेकर 6 तक की कॉस्ट कितनी है 20। सो ये कितना हो जाएगा आपका 26। एंड एच ऑफ 6 तो 0 होगा क्योंकि यही गोल है मेरा, तो ये कितना है 0। सो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 26 + 0, दैट इज़ नथिंग बट 26। तो 6 की नई वैल्यू कितनी मिली, 26। इन दोनों में देखेंगे तो छोटी वैल्यू क्या है, 26। तो ये 26 को फिर से हम लोग लिस्ट में डालेंगे। तो अब जो है 6 की पावर 26 और 6 की पावर 28। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, किसमें डालेंगे, आपके क्लोज में डालेंगे। जैसे ही ये क्लोज में आ गया, हम अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप करेंगे, क्योंकि क्लोज्ड लिस्ट में मेरा गोल आ चुका है, इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है, सो दिस वे वी नीड टू सॉल्व इट। ओके,